दुनिया के जितने भी अमीर से अमीर लोग हैं, लोग सक्सेसफुल जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जेफ बेजोस हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, हमारे इंडिया के अनिल मुकेश अम्बानी हो गया, या फिर और भी तमाम, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग हो गया, मतलब जितने भी टॉप से टॉप लोग जो हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड में हो, चाहे वो फुटबॉल के फील्ड में हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उन लोगों का जब इंटरव्यू लिया गया ना, तो उन लोगों से पूछा गया कि आप बताइए कि आपके सफलता का क्या राज है। तो जितने भी लोग थे ना, सभी लोगों ने बोला कि मेरा सफलता का राज है कि फोकस। अब जैसे मान लीजिए विराट कोहली, वो क्रिकेट की दुनिया में आए, तो आखिर उन्होंने क्रिकेट के पे फोकस किया तभी तो आए, बल्लेबाजी पे। महेंद्र सिंह धोनी का भी वही बात है। या फिर जो भी लोग किसी एक चीज़ को टारगेट कर लेते हैं, जो भी लोग होते हैं वो किसी एक चीज़ को टारगेट कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमको जैसे मान लीजिए कि इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं या एक पॉइंट है। आप लोग फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए एनर्जी है, यह है आपका सूरज, सूरज है, सूरज का धूप हम लोग यहाँ पड़ता है, और चलिए यह कोई कागज़ का सीट है, कागज़ का टुकड़ा, यहाँ पे धूप इसे पड़ रही है, ओके। हम बीच में एक लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है कि वो इस पे जितना भी प्रकाश आएगा ना, जितने भी प्रकाश आएगा उसको क्या करेगा, इस सबको एक जगह पे फोकस कर देगा, पूरे को एक जगह फोकस करे, यानी कि इतना पूरा एरिया में जितना उसको रोशनी मिला उसको एक ही जगह पे लगा दिया, लगा दिया ना। जैसे देखिए कि हम लोग दीवार में कील को ठोकते हैं, नेल को, जैसे कि कील को हम लोग ठोकते हैं यहाँ पे, इस पर हथौड़ी से ऊपर से वार करते हैं, जब हथौड़ी से जब इसमें हम मारते हैं, वार करते हैं, तो क्या होता है कि इसका जितना पावर है, जितना दम है, सब एक पॉइंट पे लगता है, बिल्कुल छोटा सा पतला सा पॉइंट पे। और ये जो है, अब दीवार जो है कील को टेढ़ा नहीं कर पाती है, उसको अंदर जाने देता है। आखिर क्यों होता है, यहाँ पे फोकस, यहाँ जितना पावर आ रहा है वो पावर एक जगह पे फोकस हो रहा है, तभी तो दीवार के अंदर छेद हो रही है, ओके। तो वही बात यहाँ पे देखें, लेंस में जितना प्रकाश पूरा में इतना में आ रहा है, वो एक जगह पे क्या हो रही है, फोकस हो रही है, एक जगह पे फोकस हो रही है, पूरा पावर एक जगह पे लगा दिए। तो अब जैसे कि एक आदमी मिलकर गाड़ी को धक्का दे रहा है, तो गाड़ी नहीं जा रही है, ठीक है। अब पाँच छः आदमी उसी गाड़ी में से निकल के आया, सब धक्का लगा दिया, तो गाड़ी आगे बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जितना लोग था, जितना पावर था, जितना फोर्स था, सब एक ही जगह पे लग गया, तो उसको मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा गाड़ी को। तो वही बात हो रही है हम लोग के भी दुनिया में, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं आज तक, उन्होंने एक जगह पे फोकस किया है तभी वो इतने सफल हो पाए। तो हमारा भी वही मतलब कि हमको जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको बस अपने आप को फोकस करके रखना है। आप एक बात ध्यान रखिए कि हमको, जैसे कि हमको, आप फोकस कर लीजिए, जैसे कि NTPC हो गया और ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी पेपर हो गया, हमको फोकस करना है, हमको क्या करना, चलो हमारा जितना पावर है ना, इसको उत्तल लेंस के माध्यम से हमको फोकस करना है। अब चूंकि हम आपको समझा दें कि NTPC ग्रुप डी दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में सेम चीज़ें पढ़नी है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो अलग बात है। दोनों में मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस भी पढ़ना है, आर्ट पे भी पढ़ना है, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, तो हमको फोकस करना है इस पर। तो हम जितना भी इस उत्तल लेंस से प्रकाश आएगी यहाँ पे, सबको हम यहाँ पे फोकस कर देंगे, तो ये मजबूरन क्रैक होने पे हो जाए क्रैक। अब हम जितना भी ध्यान है ना, सब इस पे लगा दिए। अब जैसे मान ली इसमें इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, अब क्या किए, दो चार को इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन कर लिए, अब इंग्लिश भी हम सीख रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारा जो फोकस है ना वो इंग्लिश पे भी आ गया। अब आपके पास तो 24 घंटा का ही समय है, तो अब 24 घंटा को मैं इस पे फोकस, आपका क्या फोकस क्या है, बट गया, जबकि हमारे पास 3 महीने का समय है, हमको बस इसको टारगेट करना था, जबकि हम अपना समय जो है इस पे लगा लें। और हम ऐसा सोच रहे हैं, चलो यार दोनों को तो पढ़ रहे हैं ना, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं,
आप कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा मेहनत करिएगा ना तो वो मेहनत फॉल चल जाता है। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है हमको, बस टू दी पॉइंट पढ़नी है। तो बस बिल्कुल फोकस कर लेना। हम आपको इसमें समझा रहे हैं कि फोकस का मतलब क्या होता है। हमको क्या करना है, कुछ भी चीज़ हमको बनाना है ना, उस पर फोकस कर लेना। जैसे कि अब NTPC ग्रुप डी के लिए हमको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ। अब देखिए हमको मैथ इम्पोर्टेंट है, रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, साइंस भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या, अब एक ही साथ सभी चीज़ को पढ़ना हम शुरू कर दिए हैं तो क्या होगा, रीजनिंग है, साइंस है, तो अब क्या होगा, सारा का सारा फोकस जो हमारा बिखर रहा है। तो इसके लिए आइडिया ये है, चलो हम मैथ पे फोकस करते हैं तो मैथ तो हमारा कंप्लीट होगा ही होगा। अब जैसे मैथ का कोई एक चैप्टर, जैसे परसेंट चैप्टर, तो हम एक फोकस किए परसेंट पे। अब परसेंट खत्म हुआ उसके बाद ही किसी और चैप्टर को आए, या फिर इसका दो गो चैप्टर पे फोकस कर लिए, दो गो कंप्लीट के बाद हम रीजनिंग में घुस गए, उसका दो गो चैप्टर कंप्लीट किए इस पे घुस गए। तो इस तरह से हम लोग बस हमेशा क्या करेंगे, हम लोग बस फोकस करेंगे। तो आज के लेसन में मेन पॉइंट क्या है, फोकस, एक जगह पर बिल्कुल फोकस कर लीजिए। जैसे कि किसी बच्चे को आप रटते हुए देखे होइएगा, क्या कहता है, वो सब कुछ छोड़ के बस एक ही चीज़ को रटने में शुरू कर देता है। जैसे कि कोई बच्चा है एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और उसी तरह से ई फॉर एलिफेंट आता है, उसको जल्दी से ना एलिफेंट का स्पेलिंग उसको याद ही नहीं होता है, नहीं होता याद, वो बहुत बार मार खाता है लेकिन याद ही नहीं होता है। क्यों, उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इसको याद करने के लिए क्या करता है बच्चा, वो ABCD वाला सब याद करता नहीं करता, लेकिन इस पर वो मार खाता है, तो इसलिए इसको वो क्या कर लेता है, फोकस करता है, इस पर फोकस करता है, इसको इतना बार रट्टा मारता है ना, जबकि इसको वो 20 बार 25 बार 30 बार इसको रट्टा मारा तो ये याद हो गया। अब इसके लिए 20 बार 25 बार में काम ही नहीं चल रहा है, 100 बार करा उस पर भी काम नहीं चल रहा, तो उसको 1000 बार इसको रट्टा मार के याद कर लिया। यहाँ पे क्या होता है, फोकस हो रहा है, हम यहाँ पे फोकस किए हैं तो याद हो गया। ओके, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या समझें, हम जो भी चीज़ को करेंगे फोकस कर लेंगे और उसको कंप्लीट के बाद ही किसी और चीज़ में हाथ लगाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन हो गया हम लोग का याद करने का। अब क्या होगी, अब स्टूडेंट जो है तैयारी करता है। अब जैसे देखिए,